ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं शुरू से बताता हूँ। बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? आप खुद ही देखिए। पापा को मैं कुछ खास पसंद नहीं आया। और दादाजी का तो मैंने सारा मूड खराब कर दिया। ऊपर से मम्मी मुझे इन दोनों के साथ अकेला छोड़ के चली गई। क्यों दिया तूने मुझे इतना बड़ा धोखा? एक छोटी सी कमी के लिए? शायद मैं नाजायज था, और सोसाइटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बदसूरत भी। जो भी हो, लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन वैसे ही कम था। बाकी बची कुची कसर पापा ने बॉय स्कूल में एडमिशन करा के पूरी कर दी। पूछो मत कैसे स्ट्रेट रह के अपना टाइम काटा है। सबने कहा था स्कूल में ना सही, कॉलेज में लड़की जरूर मिलेगी। वैसे कॉलेज के कुछ स्टड दोस्तों ने मेरी वर्जिनिटी लूज कराने की काफी कोशिश की। पैसे दे के सेक्स करेगा? तू मेरे से पैसे लेगा? अबे गाडू मेरे साथ नहीं, स्पा में। लेकिन मेरी तरह मेरी किस्मत भी काली थी। आ जा रहा है कॉलेज प्रोजेक्ट पे? कोई जरूरत नहीं है किसी प्रोजेक्ट वोजेक्ट पे जाने की। क्यों? तेरे ताऊजी को भी बड़ा शौक था प्रोजेक्ट पर जाने का। 25 साल की उम्र में एड्स से मर गए। चल अंदर। रामघोर। स्पा का प्लान कैंसिल करना पड़ा। बट अ मैन हैज नीड्स। स्टेप ब्रदर कैन यू हेल्प मी? या आई हेल्प यू आउट स्टेप सिस। अ मैन आल्सो नीड्स अ जॉब। इसीलिए कैंपस प्लेसमेंट्स के टाइम पे एक यूनिसेक्स कंपनी में इंटरव्यू दिया, क्योंकि यही वो आखिरी जगह थी जहां मैं ऑर्गेनिकली लड़की पटा सकता था। Yes, I was not ready yet. ऑफिस के पहले दिन ही चूतिया साबित हो गया। ऐसे कैसे पटा पाऊंगा मैं लड़की? पटाने के लिए तो बात करनी होगी ना, अब बात करने के लिए आंखों में देखना होगा। वही तो नहीं होता मेरे से। अब कोई बिना आंखों में देखे किसी से कैसे बात? एक तरीका है। हाय, कल क्या हो गया था तुम्हें? आर यू फाइन ना? कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? चलो टेक केयर। It worked. अब मैं किसी भी लड़की से बात कर सकता हूँ। पर इसकी तरह नहीं। भरत ओबेरॉय ऑफिस का सबसे बड़ा फक बॉय, अफवाह है कि इसने थ्रीसम भी किया है। तू बॉय स्कूल में भास्कर है ना? कोई टेंशन नहीं है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ये भी सही है। क्या सही है? अरे वो ऑक्टाफेक्स है, पैसे क्रेडिट हो गए ना, खर्चे भी तो बहुत हैं। दोस्ती बढ़ाने का अच्छा मौका है। मेरे को ये फॉरेक्स ट्रेडिंग ज़्यादा समझ नहीं आती। अरे समझने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर्स आई मीन मास्टर ट्रेडर्स हमें खुद कमा के देते हैं। क्यों? अरे क्योंकि उन्हें हमारे प्रॉफिट से कमीशन मिलता है। ये देख मास्टर ट्रेडर्स की लिस्ट, इनमें से उनकी बेस्ट अचीवमेंट देख, बेस्ट बंदे सेलेक्ट कर, कॉपिंग स्टार्ट कर और प्रॉफिट कमा। पेमेंट कैसे आएगी? ईजी, पेटीएम, यूपीआई, कार्ड वगैरह, डिस्क्रिप्शन लिंक फॉलो कर और एटलीस्ट 3,000 डिपॉजिट कर, ताकि 50% बोनस भी आ जाए। भरत किसी भी लड़की को साइड हक कर लेता है। He's a fucking genius. I wanna be like him. Start.
क्या सीन चल रहा है मिलन भाई का? अबे तुम कुछ चलने कहां दे रहे हो? सारी लड़कियां तो तुम छेक के बैठे हो। मिलन की हालत मेरे जैसी। I can understand this pain. तत्काल में चाहिए और तुम दिला रहे हो। बहुत उम्र हो गई है यार। अबे जो इस ऑफिस में रह के भी लड़की नहीं पटा पा रहा ना, उससे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। मैं चूतिया नहीं हूँ। चलो हैं चूतिया, तुम तो स्टार्ट हो, दिलाओ। अबे इस ऑफिस में लड़की पटाने का ना गोल्डन रूल है, अपने से छोटी पोजीशन की लड़की पे ट्राई करो। Got it. इसे दे देंगे। सर कुछ चाहिए था आपको? और छोटी पोजीशन की लड़की पे ट्राई करना होगा, कोई ऐसी जिससे मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। पर कौन इस ऑफिस में ऐसी? सर मेरे को झाड़ू लगाने का है, आपको कुछ काम है क्या? नहीं बस कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ कहिए ना। पहले कुछ खा तो लो। अच्छा सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ, गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी? सर ऐसे अभी इमीडिएटली जवाब नहीं चाहिए। सर क्या है? सर पत्नी हो मेरी। हलकट साला माई होवा, थरकी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। कोई नहीं है मेरा, एंड नो वन लव्स मी। काशिन की जगह मेरी माँ होती, मुझे प्यार करती, मुझे सिखाती कैसे लड़कियों से बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। क्या मैं सच में नाजायज हूं? पापा गोरे, मम्मी गोरी और मैं काला। कौन है मेरा असली बाप? क्या मैं उससे कभी मिल पाऊंगा? What the fuck is wrong with this guy? बॉय स्कूल सर, तभी जवानी काबू में नहीं आ रही। पर सर मेरे रहते हुए ये सब नहीं चलेगा ऑफिस में। अगले हफ्ते इससे बड़ी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूं, तब जो चाहे कर। लेकिन तब तक घोटे काबू में रख अपने, समझा? चल। बॉस की कड़वी बातों का ऐसा असर हुआ कि मैं रिजाइन करने का मन बना चुका था, पर तभी मैंने उसे देखा। वक्त जैसे रुक गया, पूरी बॉडी में सेंसेशंस फील होने लगी, हार्ट बीट फास्ट हो गई और दिमाग जैसे सुन पड़ गया। क्या इसी को लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? मुझे कैसे पता होगा, मुझे हुआ थोड़ी है पहले कभी। शिट, ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? इसने मुझे घूरते हुए देख तो नहीं लिया? शिट। हेलो भास्कर, मीट श्रुति, शी वुड बी इंटर्निंग अंडर यू। हाय भास्कर सर। कॉल मी भास्कर। श्रुति आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिसेप्शन पे सबमिट कर दो। ओके भास्कर। बाय। थैंक गॉड।
किसी को पता नहीं चला, बाल बाल बचे। हक भी दो ना मुंह पे। श्रुति सिंह, तुम्हारा नाम लेने में भी एक ऐसी सेंसेशन सी फील हो रही है। ऐसा होता है क्या प्यार? और ऑफिस आने का मेरा इतना मन पहले कभी नहीं किया। गुड मॉर्निंग सर। सर नहीं, सिर्फ भास्कर। ओके, तो भास्कर, मैं ये पूछ रही थी कि मुझे किस प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है। तुम्हें वो डेस्क पे चल के बताता हूँ। ओके। अबे तुम तो बोल रहे थे हमको दिलाओगे। बॉस ने जिसको अलॉट कर रखा उसी को तो मिलेगा पागल। एक तो तुम्हारा बॉस चूतिया, ये कंपनी चूतिया, और तुम तो वही सबसे बड़े चूतिया। अबे एक और गोल्डन रूल ना हो तो। तो तुम सेपोसेक्सुअल हो, तभी इतने सारे लोगों में से तुम सिर्फ मेरे साथ लंच करती हो। ऐसे अचानक से साइडक मत किया करो श्रुति, तुम्हें नहीं पता मैं पागल हो जाता हूँ। ये प्रेजेंटेशन देखो, अच्छी है ना? क्या हाल है भास्कर? How is it going? Good sir. श्रुति, ये तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं सर, he is very nice and very supportive. Good, 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 good. भास्कर, एक काम करो, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। मेड को बोल देता हूँ। अरे भास्कर तुम जाओ ना, जाओ जाओ, जाओ जाओ, भागो भागो। तुम कभी मेरी तारीफ करने का मौका क्यों नहीं छोड़ती? जो मन में आता है बस कह देती हो। ऑफिस में कोई परेशानी हो ना तो प्लीज डू लेट मी। कह दूं क्या? श्रुति, तुम बॉस को ये ब्लूप्रिंट्स दे आओगी प्लीज? तब तक मैं तुम्हारे लिए भी बना देता हूँ। भास्कर आपको पता नहीं चला क्या? बॉस ने ऑफिस छोड़ दिया है, उनको कहीं और से बेटर ऑफर था तो वो चले गए। ये कब हुआ और तुम्हें ये कैसे पता चला? आप कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो? कंपनी का व्हाट्सएप ग्रुप भी है? आप कितने बोंद हो भास्कर। तुम भी प्यार करने लगी हो क्या मुझसे? तो सीधा सीधा बोल दो ना, या फिर तुम वेट कर रही हो कि मैं कब बोलूंगा? आई थिंक मुझे ऑफर मार देना चाहिए, शायद तुम यही चाहती हो। बहुत लेट हो रहा है, चलें? ठीक है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगा। आज? नहीं नहीं, I'll go with. अभी? छोड़ देता हूँ ना। Actually मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया है, तो I'll go with him. गंदा था बॉयफ्रेंड उसका। सुना तो मैंने भी है, फिर तो कट गया ना इसका। अरे कटाई समझो, बात समझ नहीं आई। इतनी सुंदर सी दिखने वाली ब्यूटीफुल सी लड़की का इतना चुत्तड़ सा बॉयफ्रेंड कैसे बन गया? चार ही रीजन हो सकते हैं, या तो लड़का बहुत अमीर है, या तो माँ बाप बहुत ही अमीर हैं, या तो लड़का टैलेंटेड है,
यार तो बहुत ही टैलेंटेड है। बहुत तरीके का टैलेंटेड तो हम भी हैं यार। ये भी हैं, बिल्कुल हैं। क्यों? मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है श्रुति। And I need to find out. Five star दे दे। अच्छी तो मेरे बचपन का प्यार है। हमने कभी एक दूसरे के अलावा किसी को डेट ही नहीं किया। Sono is all I've known and I love him. क्या छोड़ो, आप कल ऑफिस पार्टी में आ रहे हो ना? मुझसे ना मेरी दारू हैंडल नहीं होती है, तो I will need your help. क्यों? Sono नहीं आ रहा? कहाँ? भाई साहब 3 दिन के लिए केदारनाथ गए हैं, all boys trip पे. Drink like a fish, like a drink, like a fish. देख गोल्डन लून बता रहा हूँ, देखो स्टे क्लासी। भोसड़ी के अपने हिसाब से करेंगे, गांड में डाल लो क्लासी। प्रॉब्लम तो हर लव स्टोरी में होती है, यहाँ भी है। और बचपन की एक छोटी सी गलती के चक्कर में सारी लाइफ थोड़ी ना सफर करोगी तुम। आओगे ही नहीं। बहुत ज्यादा हुए क्या? बहुत। पता है मुझे ना टेंशन हो गई थी, तुम आ गए हो तो आई विल बी फाइन। तुम पक्का ठीक हो ना? एक काम करते, घर चलते और सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हम इतनी जल्दी इतने क्लोज आ जाएंगे। आई मीन आई जस्ट हैड द बेस्ट 10 seconds ऑफ माई लाइफ। और तुम्हें पता है, तुम बिना चश्मे के ना कोई और ही लगती हो, और मुझे उस कोई और से भी प्यार हो गया है। ऑल्सो आई एम नो मोर अ वर्जिन। थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच। और ये सेक्स भी कितना एडिक्टिव होता है यार। अभी कल रात को ही तो किया था, सुबह सुबह फिर मन करने लगा। कोई ना, रिलेशनशिप में तो लोग रोज ही करते होंगे, हम दोनों भी। क्या हो गया श्रुति? ऑफिस के बाद सीधा घर? शट अप, और इस बारे में फिर कभी बात मत करना। क्यों? क्योंकि आया वो बॉयफ्रेंड, और कल रात को जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
पर देखो भास्कर, अगर तुम मुझे अपना अच्छा फ्रेंड मानते हो तो इस बारे में किसी से कोई बात मत करना. जस्ट एक्ट लाइक इट नेवर हैपेंड. ओके ओके भास्कर. इट नेवर हैपेंड, कितनी आसानी से कह दिया तुमने. और मिस्टेक तुम्हारे लिए होगी है मिस्टेक, मेरे लिए तो मेमोरी है जो मैं चाह के भी नहीं भुला सकता. चेंज हो गया था और फिर आज अचानक से क्या हुआ श्रुति? तुम्हें नहीं पता ना क्या हुआ? तुम क्या बोल रही हो श्रुति? मैं बेचारा बहुत ही नीच आदमी हो यार तुम तो. क्यों बताया सोनू को? बात हुई थी ना हमारी. मैंने किसी को कुछ नहीं बताया श्रुति. तुम परेशान मत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो मैं सब ठीक. क्या ठीक कर दोगे यार? एक सेकंड, ये देखो उसने मुझे लिटरली हर जगह से ब्लॉक कर दिया है. बाय भास्कर. मम्मा कसम मैंने किसी को कुछ नहीं. तुमने नहीं बताया तो किसने बताया? श्रुति मुझे गलत समझ रही थी. Words I spoke, I've been saying many things that are hurtful. कल 9 बजे ऑफिस के बाद आपको पिक कर लूंगी. प्लीज लेट मत करना. अच्छा मूवी है या डेट? ये कैसी बात है? देखो नहीं हंसने से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा. टू मच. मिलन तो भी आधा. अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? ये जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ ये कोई ना कोई बीच में कहाँ से आ जाता है. आई लव यू श्रुति लाइक नो वन कैन. इतनी सी बात है, इसमें क्या नहीं समझ आ. रेडी हूँ, आ जाओ तुम. ओके व्हाट द फक यार. क्या हुआ श्रुति?
कुछ नहीं यार, वो बस मूवी का प्लान था मिलन के साथ। पता नहीं सुबह से फ़ोन स्विच ऑफ है, लास्ट मोमेंट भी डिच कर दिया, मूवी की टिकट्स भी वेस्ट हो गई। इफ़ यू डोंट माइंड तो हम दोनों चल सकते हैं, मैं फ्री हूँ। हाँ परफेक्ट, तो आई विल पिक यू अप एट 9। कूल, थैंक्स यार। हाँ बे, सुल्तानपुर के पहले लौंडे हैं जो डेट पे जा रहा है। कभी गए हो भोसड़ी के डेट पे? हाँ अबे, बोतल भर के सेक्स मिलता है। और सुनो, हफ्ते भर कॉल ना उठाए ना तो समझ जाना सेक्स मचा रहे हैं। चलो अब चुदो। ऑफिस की एक दोस्त है श्रुति, उसके साथ फिल्म देखने जाऊं? थैंक यू बाबा। व्हाट इज दिस यार, ऑलरेडी कितना लेट हो गया है, अभी जल्दी चलो। हे गाइस, व्हाट इज अप? देखो यार, कुछ बहुत ही यूनिक करने की कोशिश की है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और आई नो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, पर तुम समझते हो यार, कुछ यूनिक करने में, कुछ अच्छा करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऊपर से साइड बाय साइड वेब शो की भी स्क्रिप्ट चल रही है, वो भी बनाना है अच्छे से। बाकी टेंशन नॉट, एक गुड न्यूज़ है, एक नया चैनल स्टार्ट किया है। अभी वेब सीरीज़ से पहले और बीच में छोटे छोटे वीडियोज़ इसके ऊपर आते रहेंगे रेगुलरली। और अभी सबसे पहले इस शॉर्ट फिल्म का BTS आएगा, तो देखते हैं 2-3 दिन के अंदर आएगा BTS। ऑल्सो गाइज, OctaFX कॉपी ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और कॉपी ट्रेडिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अभी बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर का अवार्ड भी मिला है इनको। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।